I'll carry on my own and find out where I belong. Hello, my YouTube family. कैसे सब लोग? तो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा. आई वॉज विद चार्ल्स ग्लास इन LA और मुझे चांस मिला उनसे बातें करने का, बॉस कुछ पूछने का, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं बॉडी बिल्डर्स के मन में. तो मैंने जो मेरे मन में था मैंने तब सब कुछ पूछ लिया. उनके पास भी बहुत कम टाइम था बिकॉज ही इज़ अ वेरी बिजी इंडिविजुअल. आप सब तो जानते होंगे उसको. एंड ही इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड गाय इन बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री. तो ऑब्वियसली जब मैं उनसे पूछ रहा था तो बहुत सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, उनको मिल रहे थे और वो कोचिंग भी दे रहे थे. बट ही स्टिल गेव मी हिज 10 मिनट्स. उन्होंने मेरे को अपने 10 मिनट दिए. ही टोल्ड मी ऐश व्हाट एवर यू वांट टू आस्क आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट. सो मैंने उनसे कुछ चीज़ें पूछी और वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने क्या गोल जिम में उनके साथ उनसे पूछा वेनिस में, विच वॉज अ वेरी क्वाइट एक्सपीरियंस. एट द सेम टाइम माइको हॉर्न वॉज वर्किंग आउट देयर. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. एंड बहुत सारे लोग, एथलीट्स, IBB प्रोज, बॉडी बिल्डिंग प्रोज वहाँ पे थे. मतलब वाई भी अलग है उस जिम की. एनी वेज दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. बट उनसे मैंने क्या पूछा मैं आपको बताता हूँ. बहुत सारे डाउट्स, शायद आपके भी वो वाले डाउट्स होंगे. तो मैंने उनसे पूछा क्या आपके क्लाइंट्स कीटो करते हैं? तो उन्होंने कहा नो, कीटो आप मेंटेनेंस में कर सकते हो, आप मेंटेन कर सकते हो अपनी बॉडी को, बट कीटो से आप कॉम्पनसेट कर रहे हो अपने प्रोटीन को, आप फैट्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो. और अगर ऑफकोर्स आप लेस प्रोटीन खा रहे हो तो आप कभी भी ज़्यादा मसल मास गेन नहीं कर पाओगे. सो वो कह रहे थे कि मेरे क्लाइंट्स कीटो नहीं फॉलो करते हैं. अगर कोई फॉलो करता भी है तो मैं उसको कीटो और लेस कीटो का मिक्सचर करके उसकी डाइट प्लान करता हूँ ताकि वो कीटो से आउट हो जाए. मतलब मैं अपने क्लाइंट्स को कीटो नहीं करवाता हूँ. ये था उनका पहला आंसर. दूसरा मैंने उनसे पूछा था कार्डियो का बेस्ट टाइम क्या है. उन्होंने कहा था कार्डियो का बेस्ट टाइम कोई नहीं होता है, बट स्टिल फिर भी अगर किसी को ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी है एट द सेम नंबर ऑफ टाइम तो पोस्ट वर्कआउट होता है राइट आफ्टर योर वर्कआउट. जैसे ही आपका सेट फिनिश हुआ, फुल बॉडी कार्डियो क्या हो सकता है? ट्रेडमिल हो सकती है, स्टेयर मास्टर हो सकती है. साइकिलिंग नहीं होती है फुल बॉडी, ठीक है? साइकिलिंग और क्या होते हैं एयर बाइक्स, वो फुल बॉडी में नहीं आते. फुल बॉडी में आता है ट्रेडमिल, स्टेयर मास्टर, वॉकिंग. आप ये वाले कार्डियोज कर सकते हो आफ्टर योर वर्कआउट. तो उन्होंने कहा था कार्डियो पोस्ट वर्कआउट इज़ द बेस्ट टाइम और ये वाले कार्डियो बेस्ट रहते हैं टू लूज फैट एंड प्रिजर्व योर मसल मास एट द सेम टाइम. और वो लो इंटेंसिटी कार्डियो होना चाहिए, हाई इंटेंसिटी कार्डियो नहीं होना चाहिए. तीसरा क्वेश्चन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. मैंने कहा कि इज़ इट हार्ड टू बिल्ड मसल्स एंड लूज फैट एट द सेम टाइम? उन्होंने कहा इट्स हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल. उन्होंने कहा ये डिफ़िकल्ट चीज़ है कि आप एक टाइम पे फैट लॉस कर रहे हो, मसल बिल्ड कर रहे हो, बट इम्पॉसिबल नहीं है. कुछ केसों में कुछ एथलीट्स के उन्होंने कहा मैंने ट्रायल करे थे, उनके बहुत अच्छा मसल मास बिल्ड हुआ एट द सेम टाइम उन्होंने फैट लॉस किया. बट कुछ एथलीट्स के मसल मास ड्रॉप हुए फैट लॉस के साथ साथ. तो ये मिक्स रिएक्शन था उनका. उन्होंने कहा था कि ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री पे, ट्रेनिंग कितने सालों से वो बंदा कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं. तो उन्होंने ये आंसर दिया था. उन्होंने कहा था ये सबसे इम्पोर्टेंट है. मैंने उनसे कहा था कि ऑफ सीज़न में कितनी फैट परसेंटेज, क्योंकि मैं ऑफ सीज़न में जाना चाहता था. उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि ऑफ सीज़न में कितना परसेंटेज फैट गेन हो जाना चाहिए या कितने परसेंट पे आके रुक जाना चाहिए. आप ऑफ सीज़न में कितना फैट गेन करते थे? उन्होंने कहा कि मैं इतना फैट गेन नहीं कर पाता था क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे खाने के. मेरे पास बहुत नॉर्मल सी जॉब्स होती थी, 2-3 जॉब्स, और मैं अपने मील्स पूरे कर पाता था बाय रफ. उन्होंने कहा फिर भी अगर ऑफ सीज़न में किसी को फैट गेन करनी है तो उसके एब्स जो है वो विजिबल होने चाहिए. एब्स बिल्कुल ही गायब हो जाए इट मींस दैट ऑफ सीज़न इज़ रूंड. ऑफ सीज़न आप अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो. तो उन्होंने कहा था मेरा ऑफ सीज़न ऐसे नहीं होता था. मेरा ऑफ सीज़न होता था फेयर इनफ कैलोरीज, ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं होते थे उन्होंने कहा, तो मैं ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर पाता था. सो ही वॉज गेनिंग लेस फैट इन द ऑफ सीज़न, लेस फैट. उन्होंने कहा आई वॉज गेनिंग वेरी लेस फैट इन माई ऑफ सीज़न एंड ही वॉज इन अ रश. बट उन्होंने फिर भी बहुत टाइम निकाल के मेरे को आंसर करा, विच आई रियली अप्रिशिएट दैट. और ये वाले क्वेश्चंस मेरे मेन क्वेश्चंस थे उनसे पूछने के, और ये डाउट्स थे मेरे एक्चुअली में, माई पर्सनल डाउट्स. क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे को पूछते हैं भाई कीटो कर लें, कीटो बहुत ट्रेंड में है,
तो कीटो में एक मेरे माइंड में था, जब मेरे को क्लाइंट भी अप्रोच करते हैं ना कि भैया हम कीटो कर रहे थे, तो यार मेरे को खुद को कीटो अच्छी नहीं लगती है। यू आर कॉम्पनसेटिंग योर प्रोटीन, यू आर ईटिंग लॉट ऑफ फैट्स, आई डोंट नो यार। मैं कीटो बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ, ना मैंने किसी को करी होगी आज तक, मेरे को याद नहीं है मैंने किसी को कीटो करवाई होगी। तो ये तो मेरा मेन क्वेश्चन था कीटो वाला, क्योंकि बहुत ट्रेंड में चल रहा है भाई ये वाला टॉपिक है ना, लड़कियों में खास करके। फिर उन्होंने उनसे मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में पूछा था, उन्होंने कहा देखो भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग यू कैन डू वंस इन अ मंथ जस्ट टू गिफ्ट योर बॉडी वंस इन अ मंथ, बट आप अगर आपका गोल स्टेज पे जाना है, यू डू नीड कैलोरीज, यू डू नीड कार्बोहाइड्रेट्स, यू डू नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन अ डे, राइट। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि नहीं कि मैंने किसी अपने क्लाइंट को इंटरमिटेंट फास्टिंग भी नहीं करवाई है, सॉरी। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको भी शायद आपके भी माइंड में होंगे जो मैंने आपको अभी बताए हैं, तो यही वाले डाउट्स जो मेरे डाउट्स थे मैंने उनसे पूछे, उन्होंने वो क्लियर करे, मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। आई होप आपके भी कुछ डाउट्स क्लियर होंगे इस वीडियो के साथ। तो मेरा मन था कि मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करूं जो मेरा उनके साथ हुआ था। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को। सबसे ज़्यादा लोएस्ट रेट पे है मेरा चैनल, मतलब कि ग्रो ही नहीं हो रहा है, ठीक है। प्लीज़ हेल्प मी आउट गाइज, थैंक यू सो मच, मच लव, डू टेक केयर ऑफ़ योर मदर, थैंक यू सो मच।